पारंपरिक लोक पर्व सांतु आठू की पूरे कुमाऊं में धूम चल रही है। बिंदुखत्ता में भगवान शिव पार्वती की विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर सातु आठू का पर्व मनाया गया। लोगों ने मिलकर धार्मिक एवं सांस्कृतिक गीत भी गाए। मान्यताओं के अनुसार नंदा अष्टमी सातु आठू पर्व भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना और खुशी मनाने का त्योहार है। बिंदुखत्ता निवासी मीना देवी के घर पिछली कई पीढ़ियों से इस पर्व को परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। इस बार भी महिलाओं और पुरुषों ने गोल घेरे में घूमकर धार्मिक एवं सांस्कृतिक गीत गाए, साथ ही पूजा अर्चना करने के बाद गौरा महेश्वर नाम से प्रचलित शिव पार्वती की उपासना की और मूर्ति को भावभीनी विदाई देते हुए मंदिर में विसर्जन किया। है ये शिव पार्वती की मान्यता ही खरी, फिर हम इसको मानते हैं, इनकी शक्तिशाली है, शक्ति भी देते ही है, इसके उपासन करते हैं। 4 दिन का मेला लगता है, 4 दिन का हर साल भर में हम मानते हैं। हमारे जब पितर थे तब से ही मानिए, हमारे 3 पुस्तक हो गए, अब हम भी बड़े होने जा रहे हैं, मानते हैं, कैसे तो नहीं छोड़ सकते हमने। सबसे पहले तो उत्तराखंड की एक परंपरा है, इस परंपरा को हमने एक विरासत के रूप में सजोए रखना है। और ये नंदा सुनंदा गौरा देवी जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, उसको हम ये प्रथा बुजुर्गों की दी हुई धरोहर है, धरोहर के रूप में हम इसको आगे को बढ़ाते रह रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉक potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।